नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के माहेश्वरी इंटर कॉलेज में सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी अजीत पालियान के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखकर लग रहा है कि नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं, ये असली बजरंगबली वाले हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी असफलता को छिपाने के लिए गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोलने से पहले प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भाजपा और पीएम की बौखलाहट से लग रहा है कि इनके अच्छे दिन जा रहे हैं और बुरे दिन आने वाले हैं। आजादी के बाद देश की सत्ता कांग्रेस बीजेपी समेत अन्य दलों के हाथ में रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा गलत रही। वर्तमान में भाजपा सरकार झूठे वादे और उनके क्रियाकलाप के चलते सरकार चली जाएगी। वर्तमान में मोदी ने पिछले आम चुनाव में दलित मुस्लिम सहित सर्व समाज से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री तरह तरह के हाथकंडे अपना रहे हैं और वादे कर रहे हैं। पीएम ईमानदार होते तो चुनाव से पहले शिलान्यास और झूठी घोषणा नहीं करते। इन्होंने पूंजीपति और अमीर लोगों को मालामाल किया है, गरीब मजलूबों के लिए कुछ नहीं किया है। किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दिया। आवारा पशुओं ने किसानों को दुखी करके रख दिया है। पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह भाजपा सरकार में भी देश की स्थिति जस की तस है। आरक्षण नीति भी सही क्रियान्वित नहीं हुई। हर दलित मुस्लिम समेत कई जात के लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस सरकार में भेदभाव की राजनीति और जुल्म हो रहा है। नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारी अभी तक परेशान है। भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। कांग्रेस की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ तो भाजपा की सरकार में रफेल घोटाला इसका उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी का देश के कई राज्यों में जनाधार खट गया है। वह गरीबों के खाते में 72,000 रुपए देने का वादा कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होना है। गठबंधन के लोगों को इनके झांसे में नहीं आना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों से कहना चाहती हूँ कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो अमवी का जो स्वरूप पहले से चला आ रहा है उसको बहाल रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि भाजपा गठबंधन के बढ़ते जनाधार से घबरा गई है। गठबंधन के खिलाफ अफवाह फैला रही है, लेकिन गठबंधन की आंधी को कोई चौकीदार नहीं रोक पाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।